वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। मैं चंद्रा आपको हार्ड डिस्क पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक ये आपका मैकेनिकल सिविल और केमिकल ब्रांच में इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। किसी के थर्ड सेमेस्टर में है तो किसी के फोर्थ सेमेस्टर में, इतना फर्क है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी हिंदी बोलते हैं संपीड़नता, ठीक है, या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या, मान लीजिए किसी के पास आपके पास कोई भी वॉल्यूम है, आपने उसको बाहर से बल लगाया और उसको दबा दिया, मतलब उसका वॉल्यूम क्या करा आपने, आयतन क्या कर दिया, कम कर दिया। अब आयतन कम करने को ही हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। संपीड़नता किसी पर बाहरी दाब लगाने पर उसके आयतन में कितनी कमी आ जाती है उसे संपीड़नता कहते हैं। इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसने हमने यहां पर एग्जाम्पल तौर पर लिया हुआ है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। मेरे ये आपका सिलेंडर है और ये आपकी पिस्टन है। मैंने बोला कि मेरी पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई, एक आइडियल गैस भरी हुई है। कैसी भरी हुई है, एक आइडियल गैस भरी हुई है, मतलब बोला हमने काल्पनिक गैस भरी हुई है, ठीक है। जब मैंने पिस्टन मेरी यहां थी, जब मैंने उसको दाब लगाया, मतलब जब मेरी पिस्टन यहां थी तो मेरा वॉल्यूम कितना था, वी था। जब मैंने उस पर बाहरी दाब लगाया तब क्या हुआ, ये पिस्टन अंदर की मूव करेगी। भाई जाहिर सी बात है, आप बाहर से किसी को जब दाब लगाओगे तो क्या करेगा, वो अंदर की मूव करेगा, यार इसका वॉल्यूम कम होगा। जाहिर सी बात है हमने यहाँ वॉल्यूम कम हो गया, कितना हो गया मेरा, वी टू हो गया। कितना बचा, वी वन में से वी टू घटा दो, कितना बचा, वी वन माइनस वी टू। अब यही बात हम ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर ये मेरा कोई ग्राफ है, यहां पर मेरा वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर मेरा कम था, वॉल्यूम कम करते गए, देखो यहां कम हो रहा है वॉल्यूम, इधर की ओर वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर की ओर कम होगा, इधर की ओर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब प्लस लिख देता हूं, ठीक है, इधर की ओर कम होगा, तो वॉल्यूम क्या लगातार कम हो रहा है, मेरा लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, और ये जो हम दिखा रहे हैं ना, ये इस तरीके से ये क्या है, एक तरीके से ये स्लोप है, ठीक है। स्लोप मतलब dy अपॉन dp अपॉन dx, सॉरी dv, ये क्या है, एक तरीके से स्लोप है, ये स्लोप को डिफाइन कर रहा है। अब कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, बीटा इक्वल टू आयतन में बदलाव बटे वास्तविक आयतन बटे लगने वाला बल, मतलब वॉल्यूम में कितना बदलाव हो रहा है, v1 माइनस v2 बटे v1, टोटल डेल्टा p मेरा प्रेशर लग रहा है। अगर मैं इसको डेल्टा v लिखना चाहूं तो v2 माइनस v1 होना चाहिए, मेरे पास क्या है, v1 माइनस v2, इसका मतलब मैं माइनस बाहर निकाल लूं, यहां से माइनस बाहर निकाल लिया, क्या बचा, v2 माइनस v1 बटे डेल्टा p, तो ये क्या हो गया, डेल्टा v माइनस v1 डिवाइड बाई, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब आयतन विकृति, इसको बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं बीटा इज इक्वल टू आयतन विकृति बटे दाब, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि अगर मैं इसका निकालना चाहूं, यूनिट बनाना चाहूं, तो क्या लिखूंगा, मीटर क्यूब बटे मीटर क्यूब बटे, देखो मीटर क्यूब डेल्टा वी बटे वी, मीटर क्यूब बटे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इससे तो ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, मतलब बीटा का अगर मैं इसको डायमेंशन बनाना चाहूं क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू, और एक एल से एक एल कट जाएगा, क्या बचेगा, एम माइनस वन एल टी स्क्वायर, ये बीटा की बीम आ गई, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो बोलिए, क्योंकि ये बहुत अभी थ्योरेटिकल बात हो रही है, अभी हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कैसे इसको, ये होता क्या है, बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, क्यों दबा रहे हैं किस चीज को, इतनी बात क्लियर हुई सभी को, बात क्लियर हुई, इतना नोट करिए जरा पहले, फिर आगे चलते हैं, जरा इतना नोट करिए नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए जिससे आपको दिक्कत ना हो,
नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करके चलिए, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। हर चीज का कंक्लूजन देखते चलिए, अगर बाद में दिक्कत होगी तो नोट्स अगर टाइम मिल गया तो बना दिए जाएंगे आपके लिए, वैसे तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और चलिए इतनी क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसकी बात करते हैं आगे कि ये बेसिकली होता क्या है। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड है, सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा मेरे पास गैस है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसे होंगे? बिल्कुल इस तरीके से होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। कुछ इस तरीके से होंगे, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े से दूर होंगे, ठीक है, लेकिन गैस में बहुत दूर होंगे, ठीक है। तो जब हम बीटा कंप्रेसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा वी बाई वी बटे डेल्टा पी, यानी कि मेरा मतलब था अगर मैं इसकी बात करूं, बीटा इज इनवर्सनली मतलब अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, पी के हो गया। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो इसका मतलब मैं जब प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। या जैसे अभी हमने डायग्राम पढ़ा कि अगर यहां की बात करें पी और वी की, यहां पर हाई हाई कंप्रेसिबिलिटी, इधर लो कंप्रेसिबिलिटी, कुछ इस तरीके से की, यहां पर हाई कंप्रेसिबिलिटी और यहां पर लो कंप्रेसिबिलिटी, कुछ इस तरीके से थी। इसका मतलब ये हाई कंप्रेसिबिलिटी मतलब बीटा, लो कंप्रेसिबिलिटी बीटा का मतलब क्या है कि अगर मैं ठोस को दबा, देखिए अगर मेरे पास मैं ठोस है, अगर मैं उसको दबाना चाहूं, अगर मैं इसको दबा रहा हूं तो मॉलिक्यूल के बीच कोई गैप है? नहीं है, तो ये दबेगा ही नहीं, ठीक है। लिक्विड में भी क्या होता है कि अगर लिक्विड हमने अगर दबा रहे हैं तो 2% तक ही दबता है, उसके बाद ये नहीं दबता है, तो हम लिक्विड को क्या बोलते हैं? इनकंप्रेसिबल फ्लूड, इनकंप्रेसिबल फ्लूड बोलते हैं ताकि ये ना दबे, इनकंप्रेसिबल फ्लूड बोलते हैं हम इसको। गैस में क्या है, गैस में ये कंप्रेस है मतलब मॉलिक्यूल बहुत बहुत दूर है, आप बहुत प्रेशर लगाएंगे, बहुत तेजी के साथ दबा सकते हैं, यानी कि जब दबा सकते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब है मैं इसको दबा सकता हूं, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी सबसे किसकी में है, इसमें है, मतलब मैं इसको दबाऊंगा तो इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी, उसका इसकी सबसे कम और इसकी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच जगह ही नहीं रहेगा, दबाओगे किसको? दबाओगे तो मॉलिक्यूल्स को ही, ठीक है। तो बीटा का मतलब है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा बीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कम का मतलब क्या है कि उनके भी जो गैपिंग है वो हल्के 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 क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब मेरा बीटा जो है वो कम हो रहा है। दूसरा हेडिंग डालिए बल्क मॉडुलस, यहां तक बात के लिए हम नोट कर लीजिए ना पहले इतना सा, फिर थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे हर चीज। बल्क मॉडुलस लिखिएगा, लिखिए सबने। चलिए आज ये हम टॉपिक फिनिश कर देंगे सारा का सारा। बल्क मॉडुलस जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ये जो उल्टा होता है वो कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है, चाहो तो इंग्लिश में लिख लेगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, या कह सकते हो बल्क मॉडुलस व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है कंप्रेसिबिलिटी का,
मतलब संपीड़नता का, ठीक। इतनी बात हुई कि ये कैसा होता है, उल्टा होता है, जिसको हम के से बल को, जिसको हम हिंदी में लिख लो, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा के इज प्रोपोर्शनली वन अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू किसके बराबर थी, डेल्टा बी बाई बी बटे डेल्टा पी, ये डेल्टा पी ऊपर चला जाएगा के क्या हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइड में, ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस डेल्टा वी वाई वी, माइनस का लिख लीजिएगा, माइनस लिखा नहीं था इसमें, हल लिखिए माइनस का मतलब है ये क्या दिखा रहा है, माइनस शो कर रहा है मेरा, हिंदी में लो जाओ, ऋणात्मक ये प्रदर्शित करता है कि मेरा आयतन घट रहा है और दाब बढ़ रहा है। कितनी बात कंफर्म करती है माइनस को लेके, तो यहां पर क्या हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया मीटर क्यूब बटे मीटर क्यूब, कट गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला मेरा ये बन गया, के की यूनिट ये बन गई, ठीक है, इसकी बीमा बना लो तो के इज इक्वल टू क्या होगा एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एक एल से एल कट गया एम एल माइनस वाई ऊपर जाएगा एल माइनस वन और टी माइनस टू, तो के की मेरे पास बीमा हो गई एम एल माइनस के वन टी माइनस के टू। इसका मतलब यह है कि k इज इनवर्सली वन अपॉन बीटा, यानी कि कंपल्सरी जिसकी ज्यादा होगी उसका बल्क मॉडुलस सबसे कम होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर लो, गैस में क्या हो रहा है सबसे ज्यादा हम मॉलिक्यूल्स को दबा सकते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, यानी कंपल्सरिटी क्या है बहुत ज्यादा हाई है और बल्क मॉडुलस उसका कम है। अगर हम ठोस की बात करें मतलब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या है, यहां लिख लो इसको, एक केसेस बना लो सारे के सारे, गैसेस में ये होगा, अगर हम बात करें सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, तो ठोस में के इज इनवर्सली वन अपॉन बीटा, तो ठोस में क्या आप कंप्रेसिबिलिटी कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स दबा सकते हो, नहीं दबा सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बहुत बहुत पास पास है और गैप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल चिपक कर बैठे हुए हैं आपस में, कुछ इस तरीके से बिल्कुल चिपक के बैठे हैं, इनमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मतलब इनको दबाया जा सके, ठीक है, बिल्कुल पास पास बैठे हैं, इनकी बीटा क्या है बहुत कम है, नहीं दबेंगे, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है, सॉरी बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा हाई है, इसीलिए हम घरों में स्टील का इस्तेमाल करते हैं, सरिया इस्तेमाल करते हैं स्टील, क्योंकि स्टील की कम बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है और कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। लिक्विड की बात करें, लिक्विड को भी हम एज ए वाटर को हम एज ए सॉलिड ट्रीट करते हैं, ठोस जैसा मानते हैं, 2% की कमी आती है लेकिन हम 2% उसको निगलेक्ट करके चलते हैं, सॉलिड को इसलिए हम बोलते हैं, जो हमारा लिक्विड है वो इनकंप्रेसिबल है, दबने वाला नहीं है, लिक्विड मेरा कैसा है इनकंप्रेसिबल है, यानी कि ठोस जैसा बिहेव करेगा, तो के क्या हो जाएगा इसका भी ये कम होगा, बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा हाई होगा, लेकिन ये तब है जब मेरा कंडीशन गिवन होंगी सारी के सारी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। यहां तक नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, अगर उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण लिख लीजिए बल्क मॉडुलस का, अगर लिखना चाहें तो बल्क मॉडुलस का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या लिखना चाहो लिख लो, सी एन जी एल एल पी जी, ठीक है,
पीएनजी जो भी केसेस हैं, सब की सब क्या है, बस मॉडल्स हैं, एग्जांपल्स हैं। इतना नोट करिए जरा फटाफट। चलिए वर्ल्ड मॉडल से कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। केसेस, केस फर्स्ट, अगर मेरा पहला केस है समतापीय अवस्था हो तब, अगर मेरी अवस्था कैसी है, समतापी मतलब मेरा ताप कैसा है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण TV इज इक्वल टू MRT, अगर इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है पूरी की पूरी, और हम क्या पढ़ रहे हैं समतापीय, तो टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, क्या बचा मेरे पास PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको अवकलन में लिख लीजिए, अवकलन करने पर, ठीक है, तो पहले का करेंगे P, दूसरे का अवकलन करेंगे प्लस, पहले वाले का छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे बराबर जीरो। इसको धाकर उधर ले जाइए, P इंटू डेल्टा V बराबर माइनस का V डेल्टा P, P इसको नीचे ले जाइए, क्या जाएगा माइनस का V डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V, इसको यहां लिख लीजिए के डेल्टा पी, और ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा वी वाई वी। ये किसकी वैल्यू है, ये के की वैल्यू है, यानी पी बराबर के, यानी कि बल्क मॉडुलस समतापीय में जब मेरा ताप बराबर होगा तो प्रेशर और मेरा बल्क मॉडुलस दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। केस दूसरा है, केस सेकंड है रुद्धोष्म प्रक्रम, हिंदी में आप देख लीजिएगा आपने जैसे भी लिखा है रुद्रोष प्रक्रम, इंग्लिश बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ये थोड़ा मैकेनिकल का टॉपिक है, ये सिविल वाले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखना है आपको पी वी की पावर गामा होता है उसे हम बोलते हैं रुद्रोष प्रक्रम, बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। इसको भी अवकलन फॉर्म में लिखिए, पी पहले वाले को छोड़ा दूसरे वाले को गामा वी की पावर गामा माइनस के वन इंटू डेल्टा वी प्लस वी की पावर का उसको छोड़ दो और डेल्टा पी बराबर जीरो। इसको उधर ले जाओ, पी इंटू गामा वी की पावर गामा माइनस के वन डेल्टा वी बराबर वी की पावर गामा डेल्टा पी। इसको तोड़ दो चाहो तो यहीं पे, ताकि जिससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन करने में, वी की पावर गामा इसको एक नीचे ले आए यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन वही क्या है कि माइनस वन है ना, ऊपर वन, ऊपर जाकर माइनस वन हो जाएगा, तो उसको हमने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया, क्या हो गया v की पावर गामा डेल्टा p, इससे ये कट गया, तो p की पावर माइनस चल रहा है यहाँ पे, p की पावर p इंटू गामा बराबर डेल्टा p, और ये वैल्यू एक साथ यहाँ लिख ले माइनस का डेल्टा v अपॉन v, ये किसकी वैल्यू हो गई, k की वैल्यू हो गई। यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर गामा टाइम्स होता है, पहले इतना नोट करिए यहां तक, फिर आगे चलते हैं। पहले इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, करिए। अब हम चलते हैं कंडीशंस के ऊपर, केस थ्री, केस थ्री, अगर मेरा बीटा जीरो है तो मेरा फ्लूड कैसा कहलाएगा, इनकंप्रेसिबल कहलाएगा, इनकम्प्रेसिबल कहलाएगा। और अगर इनकम्प्रेसिबल मतलब ऑल लिक्विड जो भी लिक्विड है, हम वाटर की बात कर रहे हैं यहां पे, ऑल लिक्विड कैसे कहलाएंगे, इनकम्प्रेसिबल कहलाएंगे। इनकम्प्रेसिबल जैसे कहलाया तो इसका मतलब मेरा हो गया डेंसिटी मेरी हर जगह कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मेरा बीटा जीरो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब फ्लूड कैसा है, जो भी चीज गैसेस है या कोई भी लिक्विड है कैसा है, कंप्रेसिबल है, यानी कि अब उसको दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल, ठीक है। कंप्रेसिबल मतलब डेंसिटी मेरी अब कांस्टेंट नहीं रहेगी, डेंसिटी मतलब चेंज होगी,
मेरा प्रेशर भी चेंज होगा, मेरी डेंसिटी भी चेंज होगी। इतनी बात नोट करिएगा जरा यहां तक, फिर आगे चलते हैं। यहां तक इतनी बात नोट करिएगा। चलिए कुछ वैल्यू नोट कर लीजिए। के की वैल्यू जो है के ऑफ वाटर 20 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, के फॉर एयर 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, के ऑफ स्टील 160 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम इन दोनों कंपेयर करें वाटर को एयर को, इसका मतलब हवा को 20,000 गुना दबा सकते हैं पानी से, पानी के रिस्पेक्ट में। अभी हमने एक बात की, रिलेशन बात किया था बीटा K इज इक्वल टू 1/ बीटा। अब देखिए सबसे ज्यादा K किसका है, इसका है, फिर उसके बाद इसका है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस किसका है, इसका है। इसका मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, किसकी, स्टील की। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं एयर में तो के इज इनवर्सली 1/ बीटा। बीटा क्या है, कम है, यानी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, किसके लिए, एयर के लिए। तो ऐसे देख सकते हैं सारी चीजें। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं सारी चीजों पर, वन बाय वन डिस्कशन चल रहा है हमारा। किसी को यहां तक दिक्कत है तो बोलिए, नोट करिएगा इतनी सी बातें। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी, या हिंदी बोलते हैं श्यानता गुणांक। ये एक तरीके से तरल पदार्थ का गुण है, मतलब ये विस्कोसिटी एक तरीके से क्या प्रॉपर्टी है। जैसे आपने देखा होगा कि फ्लूड जो है हमेशा लेयर वाइज लेयर फ्लो करता है, हमेशा कभी एक साथ फ्लूड बल्क में नहीं फ्लो करता, हमेशा एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है, ठीक है। जब स्लाइड कर रही है तो ये हमें जानना पड़ेगा कि स्लाइड क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। आपने देखा होगा, जैसे आपने एग्जाम्पल तौर पर वाटर ले लें, ग्रीस ले लें या फिर हनी ले लें, तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसका फ्रैक्शन उतना ही सबसे ज्यादा होगा, वो एकदम नहीं फ्लो कर पाएगा। अगर जितना आसानी से वाटर फ्लो करेगा उतनी आसानी से आपका हनी फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी विस्कोसिटी, इसलिए बोला हमने ये विस्कोसिटी जो है एक तरल पदार्थ का गुण है, मतलब हर किसी पदार्थ की अपनी अपनी विस्कोसिटी होगी। और ध्यान रखिएगा फ्लूड हमेशा लेयर वाइज लेयर ही फ्लो करता है और कैसे भी फ्लो नहीं करता, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं, हिंदी बोलते हैं श्यानता गुणांक। विस्कोसिटी इज ए मेजर, विस्कोसिटी मेजर करती है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक बल, हिंदी में लिखिएगा आंतरिक बल ऑफ फ्लूड डिफॉर्मेशन। जब फ्लूड क्या कहता है, डिफॉर्म होता है, अपने शेप को बदलता है, या बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स डेवलप बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। जब दो लेयर आपस में स्लाइड करती हैं, ऐसे स्लाइड कर रही हैं, तो इसका मतलब उनके बीच क्या लग रहा है, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि डिफरेंट लेयर के बीच। चलिए डिटेल में बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक नदी नाला कुछ भी है, ठीक है, या मेरे पास एक सिलेंडर है, या मेरे पास कहीं से फ्लो हो रहा है। जो सबसे नीचे वाली लेयर है हमने क्या मान लिया, वही ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है, हमने नीचे वाली लेयर को बिल्कुल फिक्स माना हुआ है, लेकिन हल फ्लो करती है लेकिन बहुत स्लोली स्लोली। तो हमने अभी बोल दिया कि हमारी नीचे वाली लेयर क्या कर रही है, फिक्स है, मूव नहीं कर रही है, ऊपर वाली लेयर मूव कर रही है, उसके ऊपर वाली, ऐसे कुछ मूव। फ्लूड हमेशा लेयर वाइज लेयर ही मूव करेगा, लेयर वाइज लेयर ही मूव करेगा, ठीक है। अगर हम बोले कि नीचे की वेलोसिटी अगर u है तो ऊपर वाले की u प्लस डेल्टा u होगी, मतलब कुछ ज्यादा ही वेलोसिटी होगी नीचे वाले से। जब नीचे वाली, अब यहां पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया कि नीचे वाली लेयर बिल्कुल फिक्स है, तो इसका मतलब पूरा फिक्स है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, मतलब यहां पर कोई स्लिप नहीं हो रहा है, हिंदी बोलेंगे यहां पर कोई लेयर स्लिप नहीं कर रही है। अब जब ये लेयर
आगे की ओर मूव करेगी, तो ये वाली जो नीचे लेयर है इसका क्या करेगी, विरोध करेगी, किसका, वेलोसिटी का विरोध करेगी। इनके बीच क्या जनरेट होगा, एक घर्षण जनरेट होगा, इसको हमने अभी बोला है फ्रैक्शन बोला है या कह सकते हो इंटरनल, आंतरिक बोलो, इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इस तरीके बल ही होता है, आंतरिक बल लगाया हुआ है। ऐसी ये लेयर इस तरीके से मूव करेगी, ऐसे इस तरीके से ये मूव करेगी, ऐसे क्या करेंगे, एक हम ग्राफ जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, एक यहां से लेके और ये एक ऐसे हम ग्राफ जनरेट कर लेते हैं, ठीक। इसको बाहर निकाल लो, एक छोटी सी लेयर, बहुत सारे एक बड़ा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल, एक छोटा सा हमने ट्रायंगल निकाल लिया और जिसकी दूरी हमने बोल दी यहां से लेके यहां तक डीवाई है, ठीक है, बोल दो भाई डीवाई है। जब डिफॉर्म हो रहा है तो कितना एंगल हो रहा है, हमेशा हमने बोल दिया डी थीटा हो रहा है, यहां से लेकर क्या हो रहा है, डी थीटा हो रहा है, ठीक है, सारा एंगल क्या होगा, समान होगा, क्योंकि हर एंगल क्या चल रहा है, डी थीटा, डी थीटा, डी थीटा, डिफॉर्मेशन तो समय बराबर बराबर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे हमें पता है चाल बराबर, अब देखो यहां पर मुझे ये वाली बात पता नहीं है, यहां पर ये इतनी दूरी मुझे पता नहीं है, अननोन है, मुझे ये दूरी निकालनी है, तो हमको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी निकालनी है मुझे, तो चाल गुणा समय, चाल मेरी क्या है, हमने मान ली यू, मान ली वेलोसिटी, या छोटा सा एंगल माना, छोटा सा वेलोसिटी मानी, तो डेल्टा यू मान लो, छोटा सा माना हुआ है, बहुत छोटा सा डेल्टा यू, और समय कितना है डेल्टा टी, तो ये कितने निकल के आ गया, डेल्टा यू गुणा डेल्टा टी निकल के आ गया। स्लोप निकालनी है, स्लोप कितना है, हम टेन थीटा के लिए निकालो, टेन डी थीटा, छोटा सा वैल्यू निकाल लो, हमने डी थीटा, ये थीटा बना रहे हैं, थीटा बना लो इसको, पूरा एंगल और थीटा, और छोटे छोटे एंगल्स बोलिए डी थीटा, तो स्लोप क्या होगी मेरी, डी थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, क्या हो जाएगा, डी यू इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डी वाई। हमने बोला कि एंगल मेरा इतना कम हो रहा है किसके बराबर, डी थीटा के बराबर, मेरा जो स्लोप है बहुत कम हो रहा है किसके बराबर, लगभग लगभग डी थीटा के बराबर, तो डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डी वाई। निकाल लीजिए यहां से, इसको डेल्टा टी को इसके नीचे ले आइए, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और डी यू अपॉन डी वाई, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी हिंदी बोलते हैं गति प्रवणता, इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, यानी कि कर्तन विकृति, इतना नोट करिए जरा, इसको बोलते हैं कर्तन विकृति, इतना नोट करिए, हो गया इतना। अब देखिए अब बात करते हैं आगे, यहां पर हमें पता है कि जब हमने किसी पर ये इस तरीके से हमने पढ़ा, ये वाली वैल्यू मेरी फिक्स थी, इधर हम क्या लगा रहे थे, बल लगा रहे थे F, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से खींच जाएगा, कितना खींचेगा हमको नहीं पता, हमने बोला थीटा खींच गया, ऐसे क्या हो जाएगा, इसको यहां निकालो F, तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया, ये क्या निकला था, डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी निकला था, अभी हमने निकाला था डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी निकला था, जब ये क्या कर रहा है, क्या लग रहा है, इधर की ये टाउ लग रहा है, शेयर स्ट्रेस लग रहा है,
शेयरिंग हो रही है, जब एक चीज फिक्स है दूसरी मूव कर रही है तो क्या होता है, शेयरिंग होता है, पहली बता चुकी है आपको, ठीक है। तो टाउ जो है कर्तन बल जो होता है कर्तन बल जो होता है, शेयर बल जो होता है, वो विकृति के समानुपाती होता है। भाई बदलाव हो रहा है ना कुछ, तो कर्तन बल टाउ इज प्रोपोर्शनली, विकृति मेरे पास क्या थी, ये आई थी डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, तो टाउ इज जब हम हटा देंगे प्रोपोर्शनल, तो क्या लगा देंगे, एक म्यू लगा देंगे, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा के बाद क्या रख दो, ये वैल्यू रख दो, तो ये हमारा एक प्रूफ हो गया, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। इतनी बात क्लियर हुई। म्यू क्या बोला है, डायनामिक विस्कोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इतनी बात क्लियर हुई, डायनामिक विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला गया है, या फिर टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई को बोल देते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दिया कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं, ये जब कंपटीशन करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। ये अगर बात समझ में आई पहले इतना नोट करिए पहले, फिर आगे चलते हैं डिटेल में चलेंगे सारी चीजें। यहां तक देखिए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। यहां तक बोलिए, अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अब हैंडल करेंगे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यानी हमने पढ़ा टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ध्यान से सबको लोग देखते चलिएगा। अब हमने क्या किया, मुझे ये निकालना है टाउ क्या होता है, एफ अपॉन एरिया म्यू डी यू अपॉन डी वाई। इसको यहीं छोड़ दे, इसको इधर गुणा में ले जाए, एफ इंटू डी वाई, इसको यहां नीचे ले आए, एरिया इंटू डेल्टा यू बराबर म्यू, तो म्यू बराबर एफ इंटू डी वाई बटे एरिया इंटू डेल्टा यू। एफ को लिख सकते हैं न्यूटन, इसको लिख सकते हैं वाई है तो मीटर, इसको क्या ले सकते हैं, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। इससे ये काट दो, ये ऊपर चला जाएगा, न्यू क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक तो आपकी यूनिट ये बन गई इसकी बीमा निकाल लो, एम एल टी माइनस टू इंटू टी डिवाइड बाई एल स्क्वायर। इससे एक ये काट दो और यहां से घट जाएगा, ये हो जाएगा एम, इस पर से घट जाएगा एम एल माइनस, ऊपर चला गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इसकी बीमा आ गई ये, ठीक। अब हम जानते हैं एफ बराबर एम ए, सबको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू के जी लिख सकते हैं, एक्सलेशन क्या होता है, तोड़ क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी जगह उठा के पुट कर दो जहां पर ये न्यूटन है, एफ क्या है, न्यूटन ही तो है, अगर हम एफ को लिखें न्यूटन तो न्यूटन यहां पुट कर दो, न्यूटन क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या बचा, सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड से एक सेकेंड, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, न्यू की बीमा बन गई केजी
मीटर इंटू सेकेंड। ठीक, एक तो ये आ गई। अब ये बीमा सही, ये मतलब जो आंसर सही है कि नहीं, कि बीमा सेम होनी चाहिए। देखो बीमा सबकी सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं, एम यू पर जाएगा एल माइनस के वन, यू पर जाएगा टी माइनस वन, इसका मतलब मेरा बीमा सही है। ठीक है, यहां तक नोट करिए जरा, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं डिटेल में। नोट कर लिए यहां तक? अब देखिए यहां से एक चीज याद रखिएगा कि विस्कोसिटी हमेशा एक तरीके से लेयर वाइज ही लेयर करती है। ऐसा ना होगा कि ये लेयर जो है आपस में डिफ्यूज कर जाए, आपस में नहीं करेंगी, ये एक अच्छे बच्चे की तरह से अपनी जगह पर मूव करती रहेंगी, ये कभी आपस में डिफ्यूज नहीं होंगी, वन टू अनदर कभी डिफ्यूज नहीं होंगी। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीजीएस में। ये तो हम सब पढ़ लिए, एमकेएस असाइनमेंट पढ़ लिए। अब सीजीएस, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड, ये तो होता है सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड। अब देखो इसको लिखो यहां पर सीजीएस में, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम, जहां केजी वहां ग्राम हो जाएगा, जहां मीटर है वहां सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू सेकेंड है ये। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, पॉइज बोला, जो लिखा हुआ है एमकेएस यूनिट ऐसा यूनिट में जो हम पढ़ रहे हैं केजी मीटर सेकेंड, अब हम क्या पढ़ रहे हैं सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड। जहां केजी लिखा था वहां ग्राम लिख दिया, जहां मीटर लिखा था वहां सेंटीमीटर लिख दिया, और जहां सेकेंड लिखा है वहां हमने क्या लिख दिया, सेकेंड लिख दिया, क्योंकि हमारे पास यूनिट जैसी बनी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मतलब एमकेएस से एमकेएस पहले कर लो, इतना यहां तक बात क्लियर हो गई। इतना नोट करो जरा फटाफट। अब हम बनाने जा रहे हैं एमकेएस से लेके सीजीएस। एमकेएस वैल्यू क्या थी, यहां पर क्या था, केजी था ये हमारे पास, यानी कि वन केजी लिख लो चाहो तो, केजी मीटर इंटू सेकेंड। किस में ले हैं, सीजीएस में, मतलब ग्राम। तो क्या करेंगे इधर, अगर मुझे एमकेएस मतलब ग्राम केजी को ग्राम में बदलना है तो क्या करूंगा, एक हजार से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, यही हो जाएगा। देखो जरा इतनी बात, यहां तक बोलो भाई, 10 की पावर 3 अगर मैं केजी को ग्राम में बदलूंगा तो 10 की घात 3 करूंगा, या कह सकते हो 1/1000 करूंगा। ठीक है, सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर हुई बात। अब जो बचा वो काट दो, क्या इससे तो एक ये कट गया, यानी कि 1 केजी मीटर इंटू सेकेंड, क्या बचा यहां पर, 10 बचा, 10 ग्राम/सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, यानी कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है, 10 टाइम्स, ये क्या बोला, पॉइज बोला, 10 टाइम्स पॉइज है। ये बात निकल के आई कि मेरी जो विस्कोसिटी है 10 गुना है पॉइज के, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 पॉइज कितना हो गया, 1 पॉइज, ये फॉर्मूला काम आएगा, 1/10 विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। यही बात अगर पूछेगा 1 पॉइज या सेंटी पॉइज तो हम सब बदल देंगे इसमें, अगर यही बात पूछेगा सेंटी पॉइज, सेंटी पॉइज, अब सेंटी का मतलब ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर है और कुछ नहीं है, सेंटी पॉइज, तो सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर का पॉइज क्या हुआ, 10 की घात -2 सेंटीमीटर, 1/100 बोल सकते हो, और 1 पॉइज कितना है, ऐसे लिख लो पहले, पॉइज लिख लो, पॉइज ये क्या हो जाएगा, 1/2 × क्या हो जाएगा, 1/10 न्यूटन, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सेंटी पॉइज, सीपी लिख देता हूं, सेंटी पॉइज 10 की पावर -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। फटाफट नोट करिए जरा सा, जल्दी जल्दी नोट करिए।
और यहाँ पे ये लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, अगर ये ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है 22 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, बदल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ये ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा केजी मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने यहां से ये लिख दिया, ये भी लिख सकते हो केजी मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। दोनों चीज लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों चीज हो जाएंगी। यहां तक बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नोट करिएगा। देखिए अगर आपको ठीक सारी चीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम आने वाले समय में जो आप एसएससी देने आते हो बहुत ही कम अमाउंट में करवा सकें, या हम कह सकते हैं कि हम यूट्यूब से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद मटेरियल करवा सकें। तो इसमें हमारी हेल्प करिए, ताकि जितना हम प्रमोट में होंगे, जितना हम प्रमोशन में जाएंगे, उतना हम आपको फायदा दे पाएंगे। अगर आप हमारे लिए फायदा नहीं दे पाएंगे तो हम आपके लिए भी फायदा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा देखिए सिस्टम क्या होता है, हमेशा गिव एंड टेक का रिलेशन चलता है। अगर आप हमें नहीं दे पाएंगे तो हम आपको भी नहीं दे पाएंगे, सिर्फ हम थोड़ा बहुत कराएंगे बात खत्म हो जाएगी। इसलिए हम थोड़ा सा अभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं सारी चीजें, और हम आने वाले समय में ये चाहते हैं कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नहीं कि खाना पूर्ति की जाए, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से एसएससी जेई दुनिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो हम सब आपको कंडक्ट करा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें हमारी हेल्प करिए, ताकि हम शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों को ये पता लग सके, ठीक है। अपने दोस्तों को प्रमोट करिए, दोस्तों को बताइए सारी चीजें, ताकि ये बहुत अच्छे से हो सके हमारी सारी चीजें। चलिए यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि विस्कोसिटी, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो दोनों में क्या अंतर है? विस्कोसिटी हमने बोला कि हमेशा लेयर वाइज लेयर फ्लो करेगी, कभी भी ये आपस में डिफ्यूज नहीं होंगे, आपस में डिफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन जैसे काइनेमेटिक है, काइनेमेटिक का मतलब है ये हमेशा द्रव्यमान की डिफ्यूजिबिलिटी की बात करता है। डिफ्यूजिव मतलब आपस में जिगजैग हो जाना, डिफ्यूजिव की बात करता है, जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब भी डिफ्यूजिबिलिटी आएगी तो इसका मतलब है कि ये लेयर इस लेयर में डिफ्यूज आएगी, ये लेयर इस पर डिफ्यूज, मतलब डिफ्यूज मास क्या जाएगा, आपस में डिफ्यूज होता रहेगा। मतलब मास जो है हमेशा जिगजैग के फॉर्म में चलेगा, ठीक है। बस इतना अंतर है। वहां पर विस्कोसिटी में क्या होगा, लेयर वाइज लेयर चलेगा, लेकिन काइनेमेटिक में क्या चलेगा, ये आपस में डिफ्यूज होके चलेंगे, आपस में, ठीक है, मिलते हुए चलेंगे। जो होता है श्यानता गुणांक बटे घनत्व का रेशियो होता है, या लिख सकते हो आपको ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है श्यानता गुणांक घनत्व का रेशियो होता है, जिसको म्यू अपॉन रो से डिनोट करते हैं। म्यू क्यू क्या था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, घनत्व क्या था, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। न्यूटन क्या हमारे पास क्या था, न्यूटन की अगर वैल्यू निकालें, न्यूटन क्या था एफ, और एफ बराबर क्या था एम ए, एम की वैल्यू क्या केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस न्यूटन की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी हमारे पास मीटर स्क्वायर ये रहा, केजी ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। काट पीट के हमारे पास क्या, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो न्यू की वैल्यू आ गई मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इसकी बीमा निकालना चाहे एल स्क्वायर बटे टी, यानी एल स्क्वायर टी माइनस वन, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोक। इसको क्या बोला जाता है, स्टोक बोला जाता है न्यू को। यहां तक जरा नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। चलिए कुछ यूनिट बात कर लेते हैं इनकी चीजों की। अभी हमने पढ़ा स्टोक, तो स्टोक क्या था हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो था वन स्टोक था, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास एम के एस कितना था, एम के एस में कितनी वैल्यू थी, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। सीजीएस में बदलना था, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड, तो इस एम के एस को सीजीएस में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, वही मैंने लिखा हुआ है। सेंटीमीटर को एम के एस में बदलना, तो सेंटीमीटर को एम के एस बदलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड है। इस सेंटीमीटर क्या होता है, 10^-2 होता है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10^-4। अगर सेंटीमीटर लिखते हो तो क्या लिखोगे, 10^-2 लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 10^-4 हो जाएगा। वही लिख दिया किसमें, एमकेएस में। सेंटीमीटर मतलब सेंटी का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 1/100 होते हैं, 10^-2 बोल सकते हो। स्टोक कितना मेरे पास, 10^-4 है। ये ऊपर जाएगा 4×2 = 6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। म्यू ऑफ वाटर जो है इतनी वैल्यू है 1×10^-6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। न्यू ऑफ एयर 15×10^-6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
यहां पर है कि जो एयर है वो 15 गुना किससे है ग्रेटर दब सकती है, किससे डिफ्यूज हो सकती है, वाटर से. तो एयर इज अबाउट 15 टाइम्स ग्रेटर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ वाटर. यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक जरा नोट करिएगा, यहां तक जरा नोट करिए. किसी को दिक्कत हो यहां तक तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, कोई पॉइंट या कोई दिक्कत. चलिए फिर आगे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं. हमारे पास टॉपिक है वेरिएशन विस्कोसिटी, वेरिएशन विद टेम्परेचर, मतलब विस्कोसिटी का ताप के साथ क्या असर होता है. तो पहले हम बात करते हैं लिक्विड की, मतलब वाटर की. दूसरा हमारे पास गैस की बात करते हैं. तो हमने देखा कि मेरा जो लिक्विड है वो कैसे बना हुआ है, आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बने हुए हैं, क्लोज पैक में बने हुए, बंद है एकदम, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, कह सकते हो क्लोज्ड पैक में है, ठीक है, या कैसे तो ससंजक बल बना हुआ है, या कोहेसिव फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, कोहेसिव फोर्स बोल देते हैं. जब हमने क्या किया, इसको हीट देना शुरू की, मतलब एनर्जी सप्लाई करना शुरू की, उसको हीट देना शुरू किया, गैस पर रख दिया. अब ये जो कोहेसिव फोर्स है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपस में, जब आप टेम्परेचर दोगे तो ये क्या होंगे, ये टूटना शुरू होंगे, ये आपस में दूर दूर होना शुरू होंगे. मतलब जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मेरा कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है, घट जा रहा है. कोहेसिव फोर्स को या तो यहां से यहां भी ये लिख सकते हो कि आपस में ये मॉलिक्यूल्स कैसे बंधे हुए हैं, आंतरिक बल के कारण बंधे हुए हैं. जो आंतरिक बल के कारण बंधे हुए हैं, तो आंतरिक बल जब लगा हुआ है, जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा आंतरिक बल क्या हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है. इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहा है. जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरा कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है, ससंजक बल क्या हो रहा है, घट जा रहा है. जब ससंजक बल घट जा रहा है, इसका मतलब है मेरी विस्कोसिटी भी घट जा रही है, यानी कि म्यू इज इनवर्सनली 1/ टेम्परेचर. अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो मेरी विस्कोसिटी क्या होगी, घट जाएगी. इतनी बात याद रखिएगा. उसके बाद आते हैं गैस में. गैस में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत बहुत दूर दूर होते हैं. ससंजक बल क्या निगलेक्ट है, नगण्य है, मतलब कोहेसिव फोर्स यहाँ क्या है, जीरो, या कह सकते हो इनके बीच आंतरिक बल क्या है, जीरो है. तो जैसे ही हमने एनर्जी सप्लाई करना शुरू किया, मैं यहां से मुझे गैस फ्लो करवाना है, जब मैंने यहां से टेम्परेचर देना शुरू किया, तो मॉलिक्यूल्स का खाना क्या है, टेम्परेचर. जैसे ये टेम्परेचर लेंगे तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², ये क्या होगी, बढ़ जाएगी. तो एक फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3/2 kT = 1/2 mv², यानी कि टी इज प्रोपोर्शनली वी स्क्वायर, यानी कि मैं जितना टेम्परेचर देता जाऊंगा मेरी उतनी ही कनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी. इसका मतलब यह है कि ये वाला मॉलिक्यूल यहां से जब निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल तुरंत आएगा, इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, मतलब निकल नहीं देगा, खुद निकलने की कोशिश करेगा लेकिन इसको निकलने नहीं देगा यहां से. तो क्या होगा, यहां पर ये क्या हो रहा है, पास पास आ रहे हैं, और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनकी वाइब्रेशन क्या हो रहा है, बहुत पास पास आके वाइब्रेट करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब बिल्कुल निकलने की जगह ही नहीं है, बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहे हैं यहाँ से, आपस में एक दूसरे को फोर्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बार बार टकरा जा रहे हैं. यानी कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से मेरी क्या जा रही है, विस्कोसिटी बढ़ने की बजाय, घटने की बजाय यहाँ पर क्या जा रही है, बढ़ जा रही है, जो कोष्टक में बंद किया हुआ है. इतनी बात याद रखिएगा. चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं. किसी को दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9557026804, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है. किसी को कोई पॉइंट समझ में आया हो, ठीक है, कल नेक्स्ट टॉपिक की ओर मिलते हैं. दिक्कत हो तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.